कबूल के वक्त पर जिस वक्त सरकार सलाम ने मुसलमान आलम को मुसलमानों को लश्कर इस्लाम की इमदाद के लिए तरगीब दिला रहे थे, उस वक्त पहली बार सरकार सलाम ने तरगीब दिलाई तो उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मौजूद 100 बमाए साधु सामान में लश्कर इस्लाम को दिया। फिर दूसरी मरतबा सरकार सलाम ने लश्कर इस्लाम की इमदाद के लिए तरगीब दिलाई, हज़रत उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास 200 बमाए साधु सामान में अदा किया। तीसरी मरतबा जब सरकार सलाम ने फिर तरगीब दिलाई, हज़रत उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास 300 ऊंट बमाए साधु सामान मैंने लश्कर इस्लाम को दिए। रावी फरमाते हैं कि जब तीसरी मरतबा हजरत उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हु 300 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किए तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ से उतर कर हजरत उस्मान को गले से लगाया और बार बार यही फरमा रहे थे, आज के बाद उस्मान को कोई अमल भी जन्नत से नहीं रोक सकता। यानी अगर आज के बाद उस्मान को नेकी ना भी करे अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर हाल में जन्नत का हुक्म है। जी हजरत उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इज़्ज़त दी और फिर इतने एहसास के बावजूद इतनी मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अहद जमान से जन्नत की बशारत पाने के बावजूद भी खौफ खुदा की तरह का जिस वक्त आप कब्रिस्तान के अंदर जाते बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिएगा, आज मैं और आप भी कब्रिस्तान जाते हैं लेकिन हमारा हाल क्या होता है। लेकिन वो जलील कदर सहाबे किराम ने फरमाया, वो इतनी अजीम और मर्तबत हस्तियाँ जिनको सरकार सलाम की ज़बान आकर जमान से जन्नत की बशारतें मिल चुकी थी, जिनकी शान में कुरान की आयात नाज़िल हो चुकी थी, जिनके बारे में सरकार सलाम के फरामीन मौजूद थे, वो जिस वक्त कब्रिस्तान जाते आप इतने रोते इतने रोते, आपकी दाढ़ी मुबारक दर्द करती, किसी ने कहा उस्मान तुझे तो इतनी मरतबा हुजूर की जबान से जन्नत की बशारत नहीं है फिर भी तुम इतना रोते हो। हजरत उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, ओ मेरे साथी ओ मेरे दोस्त, जिस नबी की जुबान हक के जबान से जन्नत की बशारतें उस्मान को मिली हैं उसी जुबान हक के जबान से उस्मान ने यह भी सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरत की मनाज़िर में से पहली मंजिल कब्र है, जो बंदा कब्र के अंदर कामयाब हो जाएगा आखिरत की सारी मंजिलों से कामयाब। यानी इस कदर खौफ भी था, अगर जो जन्नत की बशारतें भी उसके पास थी लेकिन फिर भी खौफ था, आज मेरे और तेरे पास क्या है, अमल तो है नहीं, आज हम किसको धोखा नहीं दे रहे, किसके सामने झूठ नहीं बोल रहे, किसके साथ फरेब नहीं कर रहे, किसके साथ कारोबार के अंदर डंडी नहीं मार रहे, किसके साथ हम मामलात के अंदर मिलावट नहीं कर रहे, रिश्तों को किस कदर हम अहमियत दे रहे हैं, रिश्तों के साथ उनको तोड़ने के अंदर किस कदर हमारा किरदार है, लेकिन फिर भी हम बड़ी बजाय से कब्रिस्तान जाते हैं और उधर तक नींद हो रही होती है, दादा दादा का हल होता है हमारे सामने मुसलमान को कब्र के अंदर बगैर उसके जो है सिर्फ कफन के साथ सफेद कपड़े के अंदर लपेट कर उसे दफन किया जा रहा होता है, हम अपने हाथों से दफन कर रहे होते हैं, हमारी आंखों के सामने दफन हो रहा है, हमने अपने कंधों पर उठा कर उसे कब्रिस्तान लाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे गांव तक जूता भी नहीं थी और वहाँ पर बैठ कर हम जितनी देर वो कब्र की सलामी बनाई जाती है उस वक्त तक पट्टी के डालने के वक्त तक अगर वक्त बहुत थोड़ा आता है लेकिन हम इधर अपने अलहदा बैठ कर सियासत से बाहर होते हैं, कोई किसी इलाके की कोई किस बात से।